Kumar this side. Today we are going to do models. In models, today we are going to do may and might. We have already completed different models. You can watch those videos in the I button of this video. So let's start. I hope you will learn it. चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे मे एंड माइट. तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें कि फॉर्मल परमिशन के लिए, औपचारिक अनुमति के लिए, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. तो फॉर्मली अगर हम किसी से कोई बात पूछते हैं तो उसमें मे का यूज़ होता है. उसके बाद अगर हम देखें विश और ब्लेसिंग के लिए, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी आयु जियो, मे गॉड ब्लेस यू विद पीस एंड प्रोस्पेरिटी. किसी को ब्लेसिंग कर रहे हैं विश करने के लिए, तो ए हमने समझ लिया. लेकिन बी जो सेंटेंस है उसमें हम देखते हैं कि तुम्हें भगवान तुम्हें शांति और प्रोस्पेरिटी प्रदान करें, तो ये इसका मेन यूज़ होता है. उसके बाद है पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए और पर्पज़ के लिए. इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, यानी संभावनाएं हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो संभावना दर्शाने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं. वी वर्क सो दैट वी मे अर्न, पर्पज़ दर्शाने के लिए, कोई उद्देश्य दर्शाने के लिए हम काम करते हैं ताकि हम अर्न कर सकें. उसके बाद पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, जब इसमें हैव लग जाता है तो ये पास्ट में चला जाता है. वैसे तो प्रेजेंट के लिए यूज़ हो सकता है, जैसे इट मे रेन टुडे, मे यू लिव लॉन्ग, तो लेकिन जब इसमें हैव लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई तो ये पास्ट को भी प्रेजेंट कर देता है. ही मे हैव वन द मैच, वो मैच जीत सकता था. हैव वन थर्ड फॉर्म है, पास्ट में चला गया. ही मे हैव रीच एट द स्टेशन, वो स्टेशन पर पहुंच गया होगा, वह यानी कि पास्ट में चला जाता है जब हम उसके हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. अब हम देखते हैं माइट. माइट मे का पास्ट है. परमिशन इन द पास्ट, कोई ऐसी परमिशन, कोई ऐसी अनुमति या कोई ऐसी बात जो पास्ट में हुई थी, जिसकी पास्ट में होने की संभावना थी या अनुमति थी. आई टोल्ड हिम इफ ही माइट हेल्प हिम, मैंने उसे कहा था कि वह मेरी मदद कर सकता है. पास्ट में, कि मैंने पूछा था उसे. माई टीचर आस्क मी इफ आई माइट वर्क हार्ड, मेरे टीचर ने मेरे से पूछा कि मैं बहुत मेहनत कर सकता हूँ. पास्ट में बीता हुआ मे का माइट. आगे देखेंगे पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, पास्ट की पॉसिबिलिटी. द टीचर सेड दैट स्टूडेंट माइट पास इन द एग्जामिनेशन, टीचर ने कहा था कि स्टूडेंट एग्जाम में पास हो सकता है, लेकिन पास्ट की बात है जो बीत गई. ही मे हैव कम्प्लीटेड द टास्क, वह कार्य कर सकता था, यानी पास्ट की बात हो रही है कि वह अपना कार्य पूरा कर सकता था. उसके बाद अगर हम देखें रिमोट पॉसिबिलिटी, ऐसी पॉसिबिलिटी जो कि मुश्किल है. ही माइट कम इफ ही गेट्स टाइम, वह आ सकता है अगर उसे टाइम मिलेगा. द प्राइसिस माइट गो डाउन, प्राइस नीचे गिर सकते हैं, यानी कीमतें कम हो सकती हैं. फॉर शोइंग एम, कोई अपना उद्देश्य दर्शाने के लिए. ही वर्क हार्ड सो दैट ही माइट पास, उसने बहुत मेहनत की ताकि वो पास हो सके. ही माइट विन द मैच इफ़ ही वर्क हार्ड, वो मैच जीत सकता है, पास्ट में कही गई बात है, कि अगर वो ज़्यादा मेहनत करता. तो हमने देखा मे और माइट में दोनों में ही कर सकता है, कर सकती है, कर सकते हैं आता है, लेकिन मे स्पेसिफिकली प्रेजेंट के बारे में या बिल्कुल पास की पॉसिबिलिटी के बारे में, लेकिन माइट का होता है जो पास्ट में कोई बात हुई हो. तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है. अगर आपको समझ में आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. और आप इसकी हर नई वीडियो लेने के लिए, कोई भी जो मैं टॉपिक करता हूँ उसकी नई वीडियो लेने के लिए, आप इसके जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें, सबसे पहले आपको ये वीडियो मिलेगी. तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके, या इसको जो हम मॉडल्स कर रहे हैं इसकी कंटिन्यूशन को लेकर. तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय.